हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल वैकेंसी 2024, एक बहुत बड़ी भर्ती बिहार के अंदर 2024 में इंजीनियर्स के लिए आपको देखने को मिली। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आया और साथ में अब इसका एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है। एग्जाम आपका 14 जुलाई को है। जो भी स्टूडेंट इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके पास महज यहाँ से 60 से 65 दिनों का समय बचा हुआ है। ठीक है, अब इस 60 से 65 दिनों के अंदर किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी रखनी है, क्या रणनीति रखनी है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, और साथ ही जो तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं कर पाए तैयारी, उनको क्या अपनी रणनीति रखनी चाहिए ताकि इस एग्जाम के अंदर अपनी एक सीट पक्की कर सके। नो डाउट एग्जाम बहुत बढ़िया है, जो पोस्ट है वो, जो पद है वो बहुत शानदार है। ये वैकेंसीज बहुत लंबे अरसे के बाद आती हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अपनी किस्मत अजमानी जरूर चाहिए, इसमें जी जान जरूर लगाना चाहिए। तो किस तरीके से आपकी 60 से 65 दिनों की रणनीति होनी चाहिए, और साथ ही जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा डाउट है कि क्या सर इस एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल कैलकुलेटर हो चाहे साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, क्या ये अलाउड है कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक, क्या बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के अंदर आपका कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है। तो कुछ रेफरेंस की बात करते हैं। आप जानते हैं कि इसके अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर आपका जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, और साथ में आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड वाला, जनरल इंजीनियरिंग सेम है आपका वही जो बीपीएससी एई के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और बीपीएससी एई के अंदर आपका किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, बीपीएससी एई में किसी प्रकार का, चाहे नॉर्मल कैलकुलेटर हो चाहे साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, आपको एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। क्लियर, तो आप यही मान करके चलिए। और अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जो इनका एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, वहां पर भी किसी प्रकार का कैलकुलेटर का जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी अब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो यही मान करके चलिए कि आपका एग्जाम के अंदर किसी प्रकार का कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, नहीं होगा। आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सेल्फ से कीजिए। इनकेस लास्ट में कोई किसी प्रकार का नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाता है, एडमिट कार्ड के अंदर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है, जो अलाउ कर दिया जाता है, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। उससे थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए एग्जाम के अंदर, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। पर फिलहाल जो आज आप तैयारी कर रहे हैं वो यही मान करके करिए कि एग्जाम के अंदर आपका किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा। ठीक है, किसी प्रकार का कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा। तो आप जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा वो यहां से सेल्फ कीजिए, मैनुअल कीजिए, हाथों से कीजिए। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, चाहे आप जनरल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट की बात करें या एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह डाउट आपका क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा अगली बात कर लेते हैं अपन, यहाँ से जो 60 से 65 दिन आपके पास बचे हुए, ठीक है, मई आप जानते हैं आज 8 तारीख हो चुकी है, मतलब 20 दिन लगभग मई के बचे, 30 दिन जून के बचे हैं और 14 दिन जुलाई के, मैंने उसे 10 ही मानते हैं। तो आपके पास जो 60 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है, इस 60 दिन का जो आपके पास समय बचा हुआ है इसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपका जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, इसके अंदर आपका सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, जिसमें लगभग ठीक ठाक सिलेबस आपको देखने को मिलता है। आप अगर लेवल की बात करें तो आप बीपीएससी एई को मान सकते हैं, ठीक है, बीपीएससी एई के लेवल से ही आपका सिलेबस यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करते हैं तो ये आपका 50 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैथ रीजनिंग वाला दोनों पोर्शन है। क्लियर, अब बात करते हैं 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से, 150 क्वेश्चन का टोटल आपका पेपर होना है। क्लियर, अब बात करते हैं इसका लेवल किस तरीके से रह सकता है। देखिए, जनरल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछी जाएगी, जितना बीपीएससी के लेवल रहता है उतने ही आपसे पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल ज्यादा डेप्थ में किसी सब्जेक्ट को, जैसे आपकी ब्रांच है, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ऐसा पढ़िए जैसा बीपीएससी एई के आप सारे क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग के अंदर आपसे, आप अपनी ब्रांच के एक्सपर्ट हो सकते हैं लेकिन आप दूसरे ब्रांच के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए डेप्थ ज्यादा नहीं रहती है। और ये चीज हमने आईटी वाइस प्रिंसिपल के अंदर, अभी मध्य प्रदेश के अंदर एग्जाम हो वहां पर भी देखा है। ठीक है, वहां पर भी आपका जनरल एप्टीट्यूड का जो है, तो सॉरी जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस रहा है, जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, अगर आपने एक बेसिक लेवल से एई लेवल में जो जनरल इंजीनियरिंग पूछी जाती है, अगर इसके लिए आपने कवर कर लिया है तो आप इजिली इसके सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये तो बात होगी जनरल इंजीनियरिंग की। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा, चूंकि जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन सबके लिए कॉमन है, सबके लिए एक है, ठीक है, और अब चूंकि इंजीनियर से ये उम्मीद की जाती है कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा होगा, तो इसका लेवल बहुत अच्छा होने की संभावना है। ठीक है, इसका लेवल बहुत अच्छा होने की संभावना है, तो इसके लिए जरूर आप एफर्ट कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस हो सके जनरल एप्टीट्यूड की उतनी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। क्योंकि अगर बीपीएससी आपको फंसाएगा क्वेश्चंस के लेवल पे, तो जनरल इंजीनियरिंग पे नहीं फंसाएगा, वो फंसाएगा आपको जनरल एप्टीट्यूड पे। ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत दे सकते हैं, इनके लेवल पर आपको अच्छा खासा मिल सकता है। तो इनकी जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और ये हमारी टीम आपको करवा के भी दे रही। आप जिन्होंने, जो भी एस्पिरेंट चाणक्य बैच के अंदर इनरोल्ड है हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर, वो देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे लेवल से आपका जनरल एप्टीट्यूड कवर हो रहा है, साथ में आपकी जनरल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ चल रही है।
अब 60 दिन के अंदर ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, अब जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं शुरू कर पाए, जो दो कैटेगरी जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, ठीक है, शुरू नहीं की है, वो कैसे कर सकते हैं? देखो, इनके लिए एक ही चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, जनरल इंजीनियरिंग के अंदर 3 पार्ट है, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का है, इन 3 में से ही आप किसी ब्रांच के होंगे, ठीक है। तो आपको अपनी ब्रांच, चूंकि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आपने एमटेक कर रखा होगा, आपने एक्सपीरियंस होगा टीचिंग का, कुछ भी है, अगर आपके पास इन चीजों का है, ठीक है, तो आप अपनी ब्रांच के लिए, तो अब यहां से अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वीडियोज वगैरह मत देखिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिलेबस देख करके जो आपके सेल्फ नोट्स हो या जो यहां से नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, यहां से आप नोट्स लेके नोट्स रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपनी ब्रांच का बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो आपके लिए और सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि सिविल का सिलेबस जनरल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा है। तो अगर आप यहां से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए एक स्ट्रेटजी है कि आप अपनी ब्रांच की वीडियो लेक्चर को मत देखिएगा, ठीक है, आपको क्या करना है, उनके नोट्स ले लेने हैं, ठीक है, जो यहाँ पे टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस नोट से पढ़ करके जो प्रैक्टिस शीट आपको दी जा रही है क्वेश्चंस की, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो डाउट है वो पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपना समय बचा सकते हैं आपके अपने सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन में। दूसरा सेक्शन मान लीजिए आपकी ब्रांच सिविल है, आपके आपने सिविल के नोट्स उठाए, उससे रिविजन कर लिया, अब आपके 2 ब्रांच बच गई जिसको आपको पढ़ना है, एक है मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल। इनके आप वीडियोज देख लीजिए, इनके हार्डली जो वीडियोज होंगे 150 घंटे के आसपास के होंगे, ये 150 घंटे आप इजिली कवर कर सकते हैं, अगर अच्छे से देखे तो 1 महीने के अंदर ये आपका हो सकता है, ठीक है, इनको आप कर सकते हैं। तो इसको आप फिनिश कर सकते हैं थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा करके, और इनके ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आप फिनिश कर सकते हैं। साथ में आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, एप्टीट्यूड आप साथ साथ में करते जाइए, क्योंकि आप इंजीनियर है, इतनी उम्मीद आपसे है कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा होगा, बट आप इतना अच्छा चाहिए जितना बीपीएससी में आपका काम आ जाए, उसके लिए जो हमारी यहाँ क्लासेस चल रही उसको प्रेफर कर लीजिएगा। तो जो एस्पिरेंट अभी करना चाहते हैं ना, जिनके अंदर एक उम्मीद है यार इस बार तो, चूंकि वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई, इतनी शानदार वैकेंसी है, तो उनके लिए ये 60 दिन पर्याप्त है, सफिशियंट है। 8 घंटे पढ़ाई करेंगे तो 500 घंटे आपके पास अभी भी हैं, जो आप यहां से अभी दे सकते हैं, और अगर आप डेडिकेटेड 500 घंटे दे देते हैं 60 दिन तक, तो कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, यकीन मानिए कट ऑफ कम जाएगी इसकी, बीपीएससी की, बीपीएससी प्रिंसिपल की, इसके अंदर अगर आप सही तरीके से एग्जाम का कट ऑफ भी क्लियर कर जाते ना, आपने अगर देखा होगा एमपीपीएससी के अंदर अभी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी, आईटीआई प्रिंसिपल की आई थी, ठीक है, वहां पर जिन एस्पिरेंट्स का दोनों सेक्शन के अंदर केवल कट ऑफ निकल गया ना, उनका सिलेक्शन हो गया वहां पे, अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग कट ऑफ है, बट बहुत मिनिमम कट ऑफ के अंदर वहां पे सिलेक्शन हो गया। ये एग्जाम ऐसी ही जहां पर जनरल इंजीनियरिंग आती, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड के लेवल पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये लेवल आपको परेशान कर सकता है एग्जाम में, लेवल अच्छा आएगा। साथ में जनरल इंजीनियरिंग मैंने बता दिया, अपनी ब्रांच के लिए आप नोट से पढ़ लीजिए, वो आपने पढ़ा हुआ तो आपको कोई दिक्कत ज्यादा जाएगी नहीं, और बाकी दूसरे ब्रांच का आप वीडियोस देख करके जनरल एप्टीट्यूड साथ में कर लीजिए, बहुत अच्छी रणनीति है अगले 60 दिन तक। साथ में हम आपको क्या कर रहे हैं, हर ब्रांच की एक प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कर रहे हैं सोल्यूशन सहित, ठीक है, प्रैक्टिस सीट। इन प्रैक्टिस सीट के अंदर आपको लगभग 1000-1000 क्वेश्चन हर ब्रांच के मिल जाते हैं, और ये एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन प्रैक्टिस सीट से अपने जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, और साथ में आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है। उस प्रैक्टिस सीट को कोशिश कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार लगा लीजिए, जितना लगाएंगे उतना आपको हेल्पफुल होगा। साथ में जब आपकी ये सारी चीजें हो जाए, आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से मिलेगी विद सोल्यूशन, उस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आप जो क्वेश्चन सेपरेट कर रही टीम वो बहुत एक्सपर्ट है इन चीजों पर, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसके अंदर डलवा रहे हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन आपको एज इट इज पेपर के अंदर भी देखने को मिले, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पे 60 दिन जो बचे हुए, बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करते जाइए यहाँ से। अब 60 दिन में थोड़ा स्ट्रेटजी अपनी और बदल दीजिए, जो लोग अभी 4 घंटे पढ़ रहे थे 1-2 घंटे और बढ़ा दीजिए। क्या है ना, आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है किसी भी कंडीशन पर, तो थोड़ा सा जितना एफर्ट हो सकता है, ये वैकेंसी यकीन मानिए एमपी के अंदर जो एस्पिरेंट्स हैं अभी आज के टाइम पर, उनके हाथ केवल और केवल पछतावा है जिन्होंने इस एग्जाम की तैयारी नहीं की, इतना कम कट ऑफ गया है, इतनी अच्छी वैकेंसी थी, इतना बढ़िया, इतने सालों के बाद वहां पे 20-25 साल के बाद आई थी एमपी के अंदर, अब सब बैठ के पछता रहे कि यार काश हमने तैयारी कर ली होती। तो बिहार वालों, अभी आपके पास ये मौका है, अभी आपके हाथ से ये समय छूटा नहीं, ये 60 दिन पकड़ लीजिए, ठीक है, ये 60 दिन के अंदर जी जान लगा दीजिए, जितनी मेहनत हो सकता है कर लीजिए, क्योंकि एक बार 60 दिन निकल जाएंगे फिर ये वैकेंसी आपको कई सालों तक देखने को नहीं मिलेगी। और यकीन मानिए अगर आप एक इंजीनियर हैं और आपके पास जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई वो है, तो आपकी क्वालिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, इससे बेहतरीन जॉब आपकी कुछ नहीं हो सकती, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो को जाके संभालना है। ये बहुत शानदार जॉब है और बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, ये 60 दिन जी जान लगा दीजिए, बाकी स्ट्रेटजी आपके सामने है। कंटेंट के लिए टेंशन मत लीजिए, कंटेंट के लिए आपके साथ कॉन्सेप्ट डिकोडर है, बहुत शानदार कंटेंट के साथ हमारे पास आ चुके हैं। आपको जाना है कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर, यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च कर लीजिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट डिकोडर, यहाँ पे जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
और कंटेंट की टेंशन मत लीजिए, बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज हमने लगा दी है आपके लिए। इस बार आप देखिएगा, एक तो मैक्सिमम जनता जो है, जो बीपीएससी आईटी वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हो, सब कॉन्सेप्ट डिकोडर पर ही बैठी हुई है, ठीक है। बहुत सारी जनता आज हमारे साथ, बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे साथ इस समय तैयारी कर रही है, ठीक है। तो आप भी उसका हिस्सा बनिए, जी जान लगा दीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस 60 दिन को सही तरीके से यूटिलाइज कर ले। तो कहाँ पे जाना है आपको? आपको जाना है सीधा एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर आप इस तरीके से चाणक्य बैच आपको दिखाई देगा, ठीक है। चाणक्य बैच में आप यहाँ पास देख सकते हैं, कंटेंट में जाकर के देखेंगे तो ये आपको डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। ज्वाइन करने से पहले आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं, साथ में यहाँ पास सिलेबस वगैरह की पीडीएफ है, आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये जनरल इंजीनियरिंग का सेक्शन है, ठीक है। ये क्लासेस इतनी हो चुकी है, बाकी जो और क्लासेस हो रही है आपको मिलती जाएंगी। जो क्लासेस होंगी उसको आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, कोई डाउट है टीचर आपके पास 24/7 है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस है जो हो चुकी है आपके सामने है, जो होने वाली है वो आपको लाइव क्लासेस के रूप में मिलती जाएंगी, ठीक है। बाकी आप अभी जो हो चुकी है उनको 1.5x 2x की स्पीड में बढ़ा करके भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा समय बचेगा। कुछ टेस्ट सीरीज हमने अपडेट कर दिए हैं सब्जेक्ट वाइज, इसके अंदर आपको हम फुल लेंथ टेस्ट, कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देने वाले हैं, ये भी हम साथ साथ पे अपडेट करते जा रहे हैं। पर मेजर इसमें हम आपको प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं विद सोल्यूशन, ताकि आपको थोड़ा समय बचे, ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, क्लियर। तो इसमें आप क्या 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 इसके अंदर कुछ चीजें आपको मिलने वाली है, पहली चीज तो लाइव क्लासेस मिल रही है, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज मिल रहे हैं, जो रिकॉर्ड जो क्लास हो गई है, रिकॉर्डेड वीडियो जो क्लास चल रही है उनकी लाइव क्लास आपको मिल रही है, ठीक है। साथ में अगर बात करते हैं अपन, जस्ट सेकेंड, ठीक है, साथ में अगर बात करते हैं अपन तो सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद 5,000 से ज्यादा एमसीक्यू हम, जैसे मैंने आपको बोला, 1,000 लगभग सारे ब्रांच के आपको, मतलब लगभग 5,000 एमसीक्यू हम आपको विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस शीट के फॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स एंड पीडीएफ। यहाँ पर आपको एक चीज है ना कि आपको नोट्स भी नहीं बनाना, टीम हमारी एक स्पेशल जो बैठी हुई जो आपके लेक्चर को देखती है, नोट्स बनाती है हैंड रिटन फॉर्म पे, आप उसको जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो उससे भी आपका टाइम बच जाएगा। मतलब एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है सिलेक्शन का, एक कंप्लीट तैयार किया गया है फिनोमिना आपके सामने तैयार किया गया है, पूरा स्टडी मटेरियल आपके सामने है, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये 60 दिन आपको अपनी जी जान लगाना है एग्जाम के अंदर। अगर आप ये 60 दिन पढ़ गए, अगर आप ये 60 दिन मेहनत कर गए, तो निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से हमारी लाइव क्लासेस चलती है, ठीक है। आप यहाँ पास देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करके तैयारी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाते हैं, जॉब वाले स्टूडेंट वो सब बाद में देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, ओके। सभी स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी एनरोल्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, कहाँ पे जाना है आपको, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर जाना है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा कॉन्सेप्ट डिकोडर, ठीक है, और जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पे चाणक्य बेस दिखेगा, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक मेन चीज, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको ये डाउट होता है सर थोड़ी सी फीस ज्यादा है, उनके लिए मैं एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, 7999720833, और एक और नंबर है 9340888429, ठीक है। 9340888429, 7999720833, ये दो नंबर्स हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपकी 40% तक ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। 40% तक आपको आपको मिल जाएगा, ये हमारे स्पेशल ऑफर पर डिस्काउंट होता है, बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो इन नंबर पर एक बार कॉल कर लीजिएगा, 40% तक आप आपको मिल जाएगा। ये 60 दिन बचा है, बिल्कुल पीछे मत हटिए, बहुत शानदार कंटेंट है आपके पास, सब सुविधा उपलब्ध है, कंटेंट है, बस आपको मेहनत करनी है, अगर मेहनत कर गए तो जॉब आपकी हो सकती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई है, अगर कोई और डाउट है इसके अतिरिक्त तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो के अंदर उसको भी हम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर फिलहाल आप इन नंबर पर कॉल करके आगे की जानकारी ले लीजिए, क्या आगे का प्रोसेस है, किस तरीके से आप 40% डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, छोड़िएगा मत मौका। निश्चित तौर पर अभी हम एमपी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हमसे डेली पूछते रहते हैं कि सर अब कब आएगी चाहे अगली वैकेंसी एमपीपीएससी प्रिंसिपल की, क्योंकि एक बार मौका हाथ से निकल गया ना, वो कहते हैं ना, एक बार निकलने के बाद बस पछतावा हाथ में रह जाता, वही रह जाएगा आपके हाथ में भी, अगर ये 60 दिन आपने यूं ही गंवा दिए, बिना तैयारी गंवा दिए। बहुत शानदार वैकेंसी है, यकीन कर लीजिए, वैल्यू तब पता चलेगी जब ये आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अब ये मौका मत छोड़िएगा, जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, जबकि कंटेंट आपके सामने है, किसी प्रकार का आपको एफर्ट नहीं लगाना है, बस ज्वाइन कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। कंटेंट की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट डिकोडर की है, एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आपको अगले कंटेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो कंटेंट हमारे पास है, सिलेक्शन आपका होगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।